नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बड़नगर से आ रही है, जहां पत्रकारों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता दें कि हमलावरों ने पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वो सात रुंडा माता जी के दर्शन कर घर लौट रहे थे और परिवार के सदस्यों को घर पर गाड़ी से उतारने के बाद अपनी गाड़ी निजी पार्किंग में रखने गए थे। तभी तीन हमलावरों ने शैलेंद्र सिंह सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह सिसोदिया, अभिप्रज्ञ सिंह सिसोदिया ने पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर एवं उनके पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसे पत्रकार शैलेंद्र सिंह राठौर व उनके पुत्र शुयत सिंह राठौर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। नवमी और दशहरा होने से माता जी के दर्शन करने गजनी खेड़ी महिषासुर मर्दिनी अपने परिवार को लेकर गया था। वहाँ से सातरुंडा माता जी, कमल का माता जी भी वहाँ से गया और जब वहाँ से आकर के ढुलाना होता हुआ बड़नगर आया और मेरे परिवार को घर उतार कर मैं परिसर में अपनी कार पार्क कर रहा था। मेरा बेटा उस समय वहीं मौजूद था। उसी दौरान शैलेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके दोनों पुत्र हथियार लेकर अचानक वहाँ आए और कायरतापूर्वक धोखेबाजी से उन्होंने मुझ पर पीछे से हमला किया। ये बीते 8-10 दिन से वो मुझे फ़ोन पर भी धमकियाँ दे रहा था नए नए नंबरों से और मैं पत्रकारिता में बीते 30 वर्षों से सक्रिय हूँ। बीते कुछ समय पहले मुरली मोरवाल जी विधायक द्वारा कांजी हाउस में एक बोरवेल किया गया था, बस उसी बोरवेल के कारण ये बबलू सिसोदिया, शैलेंद्र सिंह सिसोदिया मुझसे रंजिश रखता है। मोहल्ले में भी 4 दिन पहले उसने किसी को कहा था, 4-5 लोगों को कहा, मेरी मदर को भी कहा उसने कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा और आज उसने इस प्रकार से कायरतापूर्वक धोखेबाजी से मुझ पर जो हमला किया, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ ऐसे असामाजिक तत्वों और गुंडों को के साथ बुरा सलूक होना चाहिए, इन्हें इस कृत्य की सजा मिलनी चाहिए। मैं और मेरा बेटा इनके विवाद में बुरी तरह से हम जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों का जुलूस निकाला जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किया जाए।